नमस्कार, मैं हूँ दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो, जिसके जरिए हम अपने इन्वेस्टर्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। आज से, अभी से अपने निवेश की शुरुआत कीजिए, अपने गोल्स को डिसाइड कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़े अमाउंट के साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करें, बल्कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से भी आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट से ये समझ सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, क्या उसमें किसी बदलाव की जरूरत है या फिर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। चलिए तो फेडले आपको बता देते हैं शो में शामिल होने का तरीका। तो आप व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। mf@moneycontrol.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है, 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके जरिए आप इस शो में आ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए और साथ ही साथ आप ट्विटर पर जाइए, यहाँ CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर भी आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। #आवाज लिखिए, योमनी लिखिए और उसको भेज दीजिए CNBC आवाज के हैंडल पर। तो ये तरीका है इस शो में शामिल होने का। अब आपकी क्वेरीज इस शो में हम शामिल करेंगे, लेकिन जिस तरीके का माहौल फिलहाल मार्केट में बना हुआ है, जिस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं, हर कोई ये जानना चाहता है कि इस समय इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या इस समय अपनी म्यूचुअल फंड SIPs को बंद कर देना चाहिए या फिर बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शायद मार्केट में ये उठा पटक बनी रहे, कोई क्लियर डायरेक्शन फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, इन्फ्लेशन की चिंता, रिसेशन की चिंता बाजार पर हावी है। तो आज हम क्वेरीज को शामिल करेंगे, उससे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि रणनीति क्या होनी चाहिए मौजूदा मार्केट के माहौल में। हमारे साथ आज वाइस इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। तो हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो यही बताइए करना क्या है अभी इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनके सवाल इस तरीके के आते हैं कि क्या इस गिरावट में लमसम पैसा लगा दें, क्या म्यूचुअल फंड्स में। कुछ ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि शायद थोड़े समय के लिए अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर ले, पैसा लेके घर बैठ जाए, दोबारा SIP शुरू करें। तो एग्जैक्टली क्या सजेशन उन इन्वेस्टर्स को आप देना चाहेंगे जिनके मन में ढेर सारी अप्रिहेंशंस हो रही हैं इस मार्केट के फॉल के बीच में। आई थिंक दोनों के दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का जो व्यू पॉइंट है इन्वेस्टर्स का वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके गोल्स क्या है, कितने समय तक आपको इन्वेस्ट करना है। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, काफी समय तक हम देख रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, और अगर आपने अच्छे से प्लान किया हो तब भी ये काफी नेचुरल सा चीज है कि आपको घबराहट होगी, क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो को जो आपकी मेहनत की कमाई से बना है उसको नीचे जाते हुए देख रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि एज एन इन्वेस्टर कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उसका रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किस तरीके से की। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने अच्छे से प्लान करके इन्वेस्ट किया, यानी अपने गोल्स को डिफाइन करके लॉन्ग टर्म का पैसा सिर्फ इक्विटी में लगाया, और आप बहुत क्लियर हैं कि मुझे मेरे पास 10 साल या 15 साल या 20 साल का समय है, अगर आप ऐसे निवेशक हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में गिरावट देख के आपको घबराहट जरूर होगी, लेकिन मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आपको बिल्कुल भी इस समय पे कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास काफी लंबा समय है। और ये मत भूलिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट आप इस समय कर रहे हैं जब मार्केट नीचे है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो एवरेज कॉस्ट है उसको नीचे लाने में मदद करता है, क्योंकि जब मार्केट अब एक डायरेक्शन में जाती है तो आपकी हर इन्वेस्टमेंट जो है एक हायर लेवल पे जाती है, और जब मार्केट गिरती है या वॉलीटाइल होती है तो आपको मौका मिलता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी एवरेज कॉस्ट को कम करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर आपने SIP रिसेंटली शुरू किया है एक या दो साल में, तो आपको काफी इंपैक्ट अपने पोर्टफोलियो रिटर्न में मिलेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए पिछले एक साल में अगर मार्केट 10 या 12% गिरा और आपने एक साल पहले शुरुआत की, तो आपके प्रॉफिट जो पोर्टफोलियो में जो गिरावट है वो उतनी ही दिखेगी, पूरी की पूरी गिरावट आपको दिखेगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मान लीजिए 10 साल से SIP कर रहे हैं, तो फिर एनुअलाइज रिटर्न में सिर्फ 1% का फर्क पड़ेगा। अगर आप पिछले 5 साल से कर रहे हैं तो एनुअलाइज रिटर्न में सिर्फ 2% का फर्क पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लंबा समय दीजिए, जैसे जैसे आप लंबा समय देंगे और ये डिसिप्लिन प्रोसेस को आप फॉलो करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट जो है एक तो काफी कम होगा, दूसरा कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा कि आप नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट कर सके। इसीलिए हमेशा अगर आपने अभी तक अपने गोल्स को डिफाइन नहीं किया है और आपने इन्वेस्टमेंट की है इक्विटी में, तो मेरी सलाह ये है कि आप
अपने पोर्टफोलियो को देखिए और देखिए कि कितना समय आप दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास 7, 8 या 10 साल है, उससे ज्यादा समय है, फिर आपको इस गिरावट से घबराहट नहीं करनी। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि आपको एडिशनल पैसा डालना है कि नहीं, देखिए मार्केट टाइमिंग करना बहुत ही जरा रिस्की एक प्रपोजिशन रहती है, लेकिन अगर आप जेन्युइनली आपके पास लॉन्ग टर्म का पैसा है और आप इंतजार कर रहे थे मार्केट फॉल का, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप शुरुआत कर सकते हैं। मे बी 30-40% पैसा आप लगा सकते हैं, कुछ समय और वेट कीजिए, आपको और नीचे का मौका मिल सकता है, प्रोवाइडेड ये पैसा जो है लॉन्ग टर्म का है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट नीचे है, उसका फायदा उठाने के लिए कभी भी लमसम मनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, तो वैसे भी जब SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट का सजेशन दिया जाता है, उसका पर्पज यही होता है कि जब मार्केट की वॉलिटिलिटी है, मार्केट की जो उठा पटक है, कभी नीचे कभी ऊपर है, तो एक एवरेज जो बने आपका म्यूचुअल फंड बाइंग का लॉन्ग टर्म में, वो बेहतर लेवल का हो। कभी आप लोअर लेवल से म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं तो कभी हायर लेवल पर, तो इसीलिए आपको एवरेजिंग के आपको SIP के जरिए इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। तो शॉर्ट टर्म की उठापटक से परेशान ना होइए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रहिए अपने पोर्टफोलियो के साथ, कंटिन्यू कीजिए। इनफैक्ट SIP शुरू करने का भी एक काफी अच्छा समय है, तो अगर अब तक आपने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की शुरुआत नहीं की है तो बेहतर मौका है, क्योंकि बाजार में करेक्शन देखी जा रही है, लोअर लेवल से आप एंट्री लेना शुरू कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हुए एक और काम की खबर है तमाम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। दरअसल म्यूचुअल फंड में 1 अगस्त से नॉमिनी का भी ऑप्शन होगा। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने इसको लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है। अब आपके म्यूचुअल फंड में निवेश पर नॉमिनेशन फॉर्म या ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प मिलेगा, यानी अगर आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो उसका भी विकल्प होगा। फिजिकल फॉर्म के जरिए आवेदन पर साइन करना जरूरी होगा और ऑनलाइन के लिए ई साइन का ऑप्शन मिलेगा। नॉमिनी या ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन के लिए 31 मार्च 2023 की डेडलाइन की गई है, और अगर आप 31 मार्च 2023 तक डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो आपका म्यूचुअल फंड खाता फ्रीज हो सकता है। इनफैक्ट हेमंत जी, एक क्विक कमेंट इस डेवलपमेंट पे भी, क्योंकि जैसे जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का दायरा बढ़ रहा है, पेनिट्रेशन स्लोली ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जो फ्यूचर आउटलुक है म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन का कि ये इंडस्ट्री काफी ह्यूज होगी अगले 5 से 10 सालों में, उस हिसाब से डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स अब किसी को नॉमिनी भी बना सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इस कदम को? मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कहीं ना कहीं SEBI की कोशिश ऐसी है कि वो इतनी फ्रीडम या फ्लेक्सिबिलिटी यूनिट होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को दे, वो डिसाइड कर पाए। अगर वो डिसाइड करते हैं कि उनको नॉमिनेशन नहीं करना है तो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। काफी बार ऐसा देखा गया है कि दो इन्वेस्टर्स हैं इधर और सर्वाइवर बेसिस पे, तो काफी बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि चलिए दो लोग हैं तो फिर नॉमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, जबकि सही बात यह है कि आपको तब भी नॉमिनेशन करना चाहिए। इन एनी केस अगर आप सिंगल होल्डर हैं तो आपके लिए वैसे भी वो कंपल्सरी था, पहले आपको बोलना पड़ता था कि अगर आप सिंगल हैं और अगर आप नहीं नॉमिनेट करना चाहते तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ता था। अब SEBI ने कहा है कि 1 अगस्त 2022 से या तो आप नॉमिनेट कीजिए, और अगर आप नहीं नॉमिनेट करना चाहते तो एक वो वेल इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, आप ऑप्ट आउट करेंगे एक डिक्लेरेशन फॉर्म को साइन करके। ये तो हो गया नए इन्वेस्टमेंट की बात। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको भी समय दिया गया है, 31 मार्च 2023 तक म्यूचुअल फंड्स को कहा गया है कि आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे उनको एक मौका दीजिए कि वो डिसाइड कर पाए, या तो ऑप्ट आउट करें या तो फिर नॉमिनेशन करें। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर 31 मार्च तक जिस पोलियोज में या तो आपने ऑप्ट आउट या नॉमिनेशन नहीं किया तो आपको रिडम्पशन करने को नहीं मिलेगा। आई थिंक इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि उनके फायदे की बात है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आप दो इन्वेस्टर हैं तब भी नॉमिनी होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो वो प्रोसेस थोड़ा काफी सिंप्लीफाई हो जाता है। तो मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है और इन्वेस्टर्स को इसको एक्टिवली फॉलो करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सभी इन्वेस्टर्स को सलाह भी यही है, आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो डेफिनेटली नॉमिनी ऑप्ट कीजिए इन्वेस्टमेंट से, या आपके इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करेगा डेफिनेटली, जिस गोल को हासिल करने के लिए आप ही पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसका सही डायरेक्शन में एक और अच्छा स्टेप होगा। चलिए बिना देरी के क्वेरीज को शामिल करते हैं। सुमित सिंह राजपूत हमारे साथ वेस्ट बंगाल से, माफ कीजिए सुमित सिंह रावत है हमारे साथ वेस्ट बंगाल से सवाल पूछने के लिए। सुमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैंने जैसे आपको पोर्टफोलियो भेजा है, एक्चुअली फंड अभी पोर्टफोलियो में है जो कि रिसेंटली स्टार्ट किया है लास्ट मंथ से, और थोड़ा और ऑप्शन है मेरे पास, मतलब 4-5 हजार का एड ऑन करना है उसमें,
टारगेट वही है, 1 ईयर केयर फॉर हिज चाइल्ड एजुकेशन मैरिज और 3 ईयर फॉर रिटायरमेंट। तो फंड ठीक है, ओवरड्राफ्ट तो नहीं होता ज्यादा, बाकी किसी में यही क्वेरी है। ओके, तो आपने ये कहा है कि आप जो SIPs कर रहे हैं इसमें कोई ओवरलैपिंग तो नहीं है क्या, इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? ठीक है, अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, जो आप ये SIPs कर रहे हैं ऑलमोस्ट 15,000 की कर रहे हैं मंथली, आपको कितना टाइम हो गया है इस पोर्टफोलियो में ये पैसा लगाते हुए? 2 महीने। ओके, आपने इनका पोर्टफोलियो देखा, 15,000 की SIPs हैं, हेमंत जी डिटेल्स हैं आपके पास पोर्टफोलियो की, 2 टारगेट हैं, 15 साल में बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए 1 करोड़, 25 साल बाद रिटायरमेंट के वक्त 3 करोड़, 67,000 इनकी मंथली इनकम है, उस हिसाब से डिसेंट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, क्या सजेशंस इनके लिए इनके पोर्टफोलियो पर? सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको जो अपने टारगेट्स उनको पूरा करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, फिर हम इनकी जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो इनके एक्चुअली 2 गोल्स हैं कि 2 डॉटर्स हैं जहां तक मैं देख पाया हूँ, तो दोनों के लिए उनको 15 साल के बाद उन्होंने कहा कि 1 करोड़ की जरूरत है जो उनकी एजुकेशन और उनकी मैरिज के लिए है, क्योंकि यहाँ पे 15 साल का समय है तो 12% का रिटर्न अगर मान के चले तो दोनों के लिए 20,000 ईच उनको इन्वेस्ट करना होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट गोल है उनका वो है रिटायरमेंट प्लानिंग का, जहाँ पे उन्होंने कहा उनके पास 25 साल का समय है और 3 करोड़ का उनका टारगेट रखा है और उसको पूरा करने के लिए उनको करीब करीब 15,000 की इन्वेस्टमेंट करनी, तो कुल मिला के 55,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है मेरे हिसाब से करीब 17,500 की है और शायद 2,500 रुपए की और एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि काफी बड़ा गैप है जितना इनको इन्वेस्टमेंट करना है और जितना अभी ये कर रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके या तो उनको अपने गोल्स को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा या तो फिर इनको कोशिश करनी होगी कि जितना जल्दी हो सके इस गैप को पूरा करें ताकि वो अपने आप को समय दे पाए कि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। जहां तक इसके अलावा आई थिंक सुकन्या समृद्धि में भी ये पैसा लगा रहे हैं और PPF में भी पैसा लगा रहे हैं, जो PPF का पैसा मैंने यहाँ पे इनके रिटायरमेंट के लिए एलोकेट किया, सुकन्या समृद्धि से जो आएगा वो हमने इनकी जो डॉटर्स की एजुकेशन और जो मैरिज के लिए वहां पे उसको एलोकेट किया है। इनके फंड्स जो है मैं कहूंगा फंड्स ओवरऑल अच्छे फंड्स हैं, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इनको चेंजेस करने की जरूरत है, इनफैक्ट कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा है कि ये चाहते हैं कि शायद एक इंडेक्स फंड और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, तो मे बी जो 2,500 रुपए है वो HDFC जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव नहीं करना है लेकिन अमाउंट उनको डेफिनेटली जल्द से जल्द बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो 17,500 के आसपास की आपकी SIPs चल रही हैं, फंड्स आपके अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, 2,500 की जो SIP आप इंक्रीज करना चाहते हैं उसमें निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड आप HDFC का चुन सकते हैं और 35,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट्स आपको मंथली बेसिस पे करनी पड़ेगी अपने दोनों गोल्स को हासिल करने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करते रहिए। अगले कॉलर से बात करेंगे, खुशबू दुबे नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। खुशबू जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। इनफैक्ट ईमेल के जरिए माफ कीजिए, इन्होंने ये सवाल भेजा है और 34 साल इनकी उम्र है, मंथली इनकम है 90,000 और 5 साल में इनको घर चाहिए, उसके लिए 10 लाख रुपए ये चाहती हैं, 10 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख, 25 साल में बच्चे की शादी के लिए 50 लाख और 27 साल में रिटायरमेंट के वक्त 2 करोड़। फिलहाल जो इनके पास फंड है 3 फंड इन्होंने लिए हुए हैं जिसमें कोटक फ्लेक्सी कैप 10,000 की SIP, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 5,000, SBI ब्लू चिप 3,000 और फिलहाल जो इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है हेमंत जी वो 15 लाख के आसपास है क्योंकि 3 साल पहले इन्होंने ये SIPs शुरू की थी। इसके अलावा इनके पास कुछ पॉलिसीज भी हैं, टाटा AIA फॉर्च्यून प्रो प्लान है, टाटा AIA रिटायरमेंट प्लान है और साथ ही बजाज एलियंस का लाइफ गोल एश्योर है, यहाँ भी मंथली इनकी यानी 21,000 के आसपास की SIPs चल रही है। कैसे देखते हैं इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और इनके गोल्स पर आपकी राय? अभी शुरुआत करते हैं इनके गोल से, इनके करीब 5 गोल्स हैं जैसा हमने कहा, घर के लिए इनको 10 लाख रुपए चाहिए 5 साल में, तो ये मान के चल रहा हूँ कि शायद वो लोन लेना चाहते हैं और जो मार्जिन मनी है उसका पैसा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्योंकि समय जो है काफी लंबा नहीं है तो हम थोड़ा कंजर्वेटिवली रिटर्न अज्यूम करेंगे करीब 8% का, तो उनको करीब 7,000 रुपए हर महीने इसके लिए इन्वेस्ट करना है। इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो एक्चुअली उसकी जो वैल्यू है अभी करीब 15 लाख की है, तो अपने ये टाइम होराइजन जो उनका गोल है अगले 10 साल तक अगर ये पैसा अपना जो गोल है इनका चिल्ड्रन एजुकेशन वहां पे अगर इसको अगर अलाइन करें तो आई थिंक उस पर्टिकुलर गोल के लिए उनको कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैरिज के लिए उन्होंने कहा कि 25 साल में करीब 50 लाख रुपए चाहिए और वहां पे मैं 12% का अगर रिटर्न मान के चलता हूँ तो करीब
3,000 rupees उनको इन्वेस्ट करना है, और चौथा गोल उनकी अपनी रिटायरमेंट जो है, उन्होंने कहा 27 years में उनको तकरीबन 2 crore चाहिए, वहां पे उनको 8,000 rupees इन्वेस्ट करना है। तो कुल मिला के उनको करीब 18,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो 18,000 की इन्वेस्टमेंट वो अभी भी इस समय पे SIP के द्वारा म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड में कर रही है। तो आई थिंक जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है। एक ही चेंज पोर्टफोलियो में मैं बताना चाहूंगा इनको, इनका 10,000 rupees का जो इन्वेस्टमेंट है 18,000 में से, वो कोटक फ्लेक्सी कैप में है। ये काफी पुराना अच्छा एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है इस फंड का, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा अमाउंट पोर्टफोलियो का एक फंड में है, तो उसकी बजाय अगर वो 5,000 से वहां पे SIP कम करें, और एक PGIM का फ्लेक्सी कैप फंड है उसको अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो उनके लिए बेहतर होगा। अब हम आते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस के लिए, हमने देखा कि इनके गोल्स के लिए जितना उनको पैसा चाहिए वो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड से पूरा हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके जो टारगेट्स हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव हों और काफी समय है इनके पास, तो वो जो इन्वेस्टमेंट जो हर महीने कर रहे हैं वो अच्छी बात है, बट मुझे लगता नहीं कि जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट या तो यूलिप हो या रिटायरमेंट फंड, वो सही तरीके से जिस तरह की उनको फ्लेक्सिबिलिटी या जो रिटर्न चाहिए वो वहां पे मिल पाएगी। तो मैं ये चाहूंगा कि वो उसको थोड़ा रिकंसिडर करें, और मे बी म्यूचुअल फंड्स एक बेटर ऑप्शन उनके लिए बन के आ सकती है, बट ऐसा करने से पहले उनको दो चीजें देखनी होंगी कि वो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो कहां तक पहुंचा है, और दूसरी बात जो उसका टैक्सेशन इंप्लीकेशन है, इन दोनों को ध्यान रखे आगे जाके डेफिनेटली मुझे लगता है अगर वो रिकंसिडर करें तो उनको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और शायद रिटर्न भी थोड़े बेहतर मिलेंगे। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो पर, और काफी डिटेल में आपको हेमंत जी ने बताया है कि क्या क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे, उस हिसाब से आप अपना अपनी प्लानिंग आगे की कर सकती हैं। चलिए, इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी कुछ और क्वेरीज हैं हमारे व्यूअर्स की, उनको करेंगे शो में शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, हेमंत रुस्तगी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और सवाल अब लेते हैं एक ईमेल के जरिए, जो सवाल आया है वो ले लेते हैं। सौरभ जैन का, 25 साल इनकी उम्र है, मंथली इनकम है 90,000, 35 साल में 15 करोड़ का टारगेट है, पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करना है। इन्होंने 2021-2022 यानी आप ये मान के चलिए कि पिछले एक साल से इन्होंने SIP करना शुरू की है, SIPs इनकी ह्यूज हैं और 52,000 कि इनकी SIPs मंथली बेसिस पे चल रही हैं। तो पहली बात तो बहुत अच्छी बात है, 25 साल की उम्र से ही इन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी शुरू कर दी है अभी, क्योंकि डेफिनेटली इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी इनकी एज के हिसाब से, तो ये अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में कर भी रहे हैं। तो हेमंत जी, पहले तो इनके पोर्टफोलियो पर आपकी राय, और दूसरा 15 करोड़ टारगेट भी इनका उतना ही अग्रेसिव है जितनी अग्रेसिव इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, क्या सजेशंस हैं आपके? जी दीपाली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक जो टारगेट है वो काफी अग्रेसिव है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, इनका टाइम होराइजन जो है 35 साल, इनके पास 35 साल का समय है इन्होंने कहा इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। तो देखिए, 15 करोड़ का टारगेट है, उसके बाद अगर हम मान लीजिए 12% का एनुअलाइज रिटर्न भी मान के चले, हालांकि इतने लंबे समय में आप डेफिनेटली इससे बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ 24,000 रुपए अगर वो इन्वेस्ट करें 35 साल तक, इररिस्पेक्टिव वो मार्केट कंडीशन, वो डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते रहे, तो वो 15 करोड़ के टारगेट तक पहुंच पाएंगे। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 52,000 की है, मतलब 28,000 rupees की जो SIP है वो एडिशनल SIP है इनके पास। तो दो चीजें यहाँ पे समझ में आती हैं, एक तो ये कि जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत फायदा होता है, दूसरी बात जो ट्रू पोटेंशियल है इक्विटी एज एन एसेट क्लास वो सामने आता है, और आप बड़े से बड़ा टारगेट भी एक छोटी रकम से आप अचीव कर पाते हो। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है हर इन्वेस्टर के लिए कि जितना लंबा समय आप अपने गोल को देंगे उतना ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब क्योंकि ये काफी यंग है, तो मैं चाहूंगा कि क्योंकि उनके पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हो रही है इस समय पे, तो ये अच्छा समय होगा उनके लिए कि बाकी जो गोल्स हैं, एक गोल तो उन्होंने देख लिया, और भी जो गोल्स अगर वो डिफाइन करना चाहें लॉन्ग टर्म के तो करें, और इस पैसे को अलाइन करें उन गोल्स के। उससे फायदा क्या होता है कि जब आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप वॉलेटिलिटी से उतना घबराते नहीं हो, तो एक तो ये करना है। दूसरी बात ये कि काफी यंग है, आगे जाके इनकी इनकम बढ़ेगी, तो इनकम लेवल के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी आप साथ साथ बढ़ाते रहिए, सिर्फ ये समझ के कि मेरे गोल पूरे हो रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट करना बंद करें तो वो शायद सही नहीं होगा। तो ये इनको दो तीन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। इनका जो पोर्टफोलियो ओवरऑल मैं कहूंगा फंड की सिलेक्शन अच्छी है, सिर्फ एक ही फंड है इनके पास एडलवाइस रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड, मैं चाहता हूं कि ये इस फंड से अपनी SIP को बंद करें, और एक लार्जर मिड कैप फंड जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है
उसमें अगर ये इन्वेस्टमेंट करें तो उनके पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग के लिए वो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको कुछ चेंजेस यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं सौरभ जी, और आपकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है 52,000 के आसपास की है, 24,000 की SIPs भी करेंगे तो भी अपने गोल को आप हासिल कर लेंगे। एक एडवाइस का, जो रिसेंटली लिस्टेड IPO फंड है जो आपने चुना हो उससे एग्जिट कर लीजिए, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड को आप शामिल कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं ईमेल के जरिए, हमें राकेश कुमार ने भेजा है सवाल। 50 इयर्स इनकी एज है, 5 साल में 5 लाख का टारगेट है, 10 साल में 5 करोड़ का टारगेट है, और जो इनकी SIPs चल रही है उसमें एक्सिस फ्लेक्सी कैप है 5,000, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी 5,000, HDFC का रिटायरमेंट सेविंग फंड है 5,000, और इनफैक्ट जो टोटल फंड्स हैं इनके पास अगर मैं काउंट करूं तो ऑलमोस्ट 9 फंड्स हैं, 9 फंड्स में ये 5,000 पर मंथ कर रहे हैं, तो 45,000 के आसपास की इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि 7 साल पहले से इनकी SIPs चल रही हैं, तो समय हो चुका है, इन्होंने डिसेंट कॉर्पस ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर लिया होगा अगर सिमिलर अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है पिछले 7 सालों में। क्या सजेशंस हैं आप? आई थिंक ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हमने अभी बात भी की कि जितना जल्दी आप शुरुआत करें तो उतना फायदा आपको होता है, और ये करीब करीब 6 साल पहले से इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की, और उन्होंने कहा है कि इसके बाद भी इनके पास 10 साल का समय है, तो कुल मिला के जो इनका टाइम होराइजन है वो करीब 16 ईयर्स का, और उसके लिए आई थिंक SIP के द्वारा जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इनका जो टारगेट है, बड़ा टारगेट की अगर हम बात करें तो वो 5 करोड़ का टारगेट है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है अगर ये 10 साल और कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, तो इनका जो कॉर्पस बनेगा 12% फिर से मैं एनालाइज रिटर्न मान के चल रहा हूँ, वो करीब 2,60,00,000 बनेगा, 2,60,00,000। वहां पे एक शॉर्टफॉल रहेगा 2,40,00,000 का, उसको अगर ये पूरा करना चाहते हैं अपने डिफाइंड टाइम हराइजन जो 10 साल है यहाँ से, उसको पूरा करने के लिए करीब करीब उनको 1,00,000 रुपए और इन्वेस्ट करना होगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनको देखना होगा कि या तो वो टारगेट रिवाइज करें या फिर कोशिश करें कि जितना गैप है उसको पूरा कर सके ताकि वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। तो ये तो जहां तक इनके टारगेट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का सवाल है। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, मुझे लगता है दो चेंजेस मैं चाहता हूं ये करें कि एक इनके पास एक IDFC का फोकस फंड है और दूसरा है टाटा हाइब्रिड फंड। उसकी जगह में जो इनके एग्जिस्टिंग फंड है जैसे SBI फ्लेक्सी कैप और एक्सिस फ्लेक्सी कैप, वो पैसा अगर उन फंड में डालें तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेट भी होगा, और मुझे लगता है कि जिस तरह का पोर्टफोलियो इन फंड्स का है जहां पे मैं रिकमेंड कर रहा हूं इनको एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, आगे जाके जब मार्केट सुधरेगा तो इन फंड से उनको अच्छा रिटर्न मिलना। ओके, चलिए, तो चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं पोर्टफोलियो में और उनको नोट कर लीजिए जो जो आपको बताया गया है हेमंत जी की ओर से, और वो चेंजेस अप्लाई कीजिए ताकि अपने गोल को आप हासिल कर सकें। चलिए, शो को समेटने का वक्त है, बहुत संक्षेप में हेमंत जी आपके टॉप 4 फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, 4 फंड मैं कहूंगा कि PGIM फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक का एक इमर्जिंग फंड, और उसके साथ में अगर आप लार्ज एंड मिड की बात करें तो एक मल्टी कैप की बात करें तो निपोन इंडिया मल्टी कैप फंड एक अच्छी ऑप्शन रहेगी, और चौथा फंड जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं इनको जी, तो 4 फंड्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप और निपोन इंडिया मल्टी कैप फंड, इन्हें आप नोट कर लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कीजिए। शुक्रिया हेमंत जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, अपनी टॉप चॉइसेस भी बताने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए योर मनी में, ब्रेक के उस पार भी खबरें जा रही है CNBC आवाज पर। नमस्कार।